नीट के बाद अब नेट की बारी। पेपर लीक और नीट के एग्जाम में गड़बड़ी की खबरों के बीच अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 18 जून को आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया है। लाखों विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा देने के ठीक एक दिन बाद इसे रद्द किया गया है। एनटीए द्वारा आयोजित नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर विवाद वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के अधीन है। ऐसे में एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर कई सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की क्रेडिबल एजेंसी द्वारा इस तरह की लापरवाही कई युवाओं को निराश कर रही है। देश भर के 317 शहरों में यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित की गई थी और इसमें 11.21 लाख पंजीकृत उम्मीदवारों में से लगभग 81% उपस्थित हुए थे। पिछले वर्षों से हटकर इस बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पेन एंड पेपर प्रारूप से आयोजित की गई थी। परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से प्राप्त इस इनपुट का हवाला दिया और परीक्षा रद्द की है। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।